हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आप सभी की रिक्वेस्ट पे हम लेके आ गए हैं एक ब्रांड न्यू रीडिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि इमोशनली आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं और उनकी तरफ से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए उनके लव मैसेजेस क्या है। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिखे एंजल्स का नाम, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, मतलब कि आपके रिश्ते की जीत होगी। पहला ही कार्ड देख लीजिए, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, जिसका आपको इंतज़ार था वो घड़ी आ ही गई। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, किसी ना किसी तरीके से, किसी रीज़न की वजह से आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ऐसा लगता है जो चीज़ आप सोच भी नहीं रहे हैं या फिर जिस चीज़ पे आप गिव अप कर चुके हैं ना, वो चीज़ कैसे ना कैसे आपके पास आ ही जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। पता नहीं क्यों लग रहा है, वो चीज़ क्या है जाने के। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आपकी रीडिंग की शुरुआत हुई है। देख लीजिए किस तरीके से। देखिए, लगता है कि इस वक्त आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा स्टक है, दोनों के बीच में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है और दोनों बहुत ही ज़्यादा उदास है और दोनों को पता नहीं क्यों एक दूसरे से बात करने की एक बस उम्मीद की कमी है। ठीक है, उम्मीद रख रहे हैं लेकिन एक होप ही है जो आप दोनों को जाने के लिए मजबूर कर रही है। लग रहा है कि आप दोनों को कि हम मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे, जैसे कि बहुत टाइम हो गया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑकवर्डनेस आ गई है, बहुत वियर्ड सा हो रहा है। लग रहा है कि कैसे बात करेंगे एक दूसरे से, लग रहा है कि शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं एक आशा सी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपका अंदाज़ा जो है वो गलत नहीं है, आपकी जो गट फीलिंग, आपका इंट्यूशंस है ना, सही कहती है। ये पर्सन आपके पैरों पे गिरेंगे, ना जाने क्यों आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बस वो टाइम आने दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, आप चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, आप चाहते हैं आप उनसे माफ़ी मांगे, और अगर ना भी मांगे तो आप दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत हो, आपके पास एक बार आ जाएँ, आपको एक बार झलक दिखा दें। तो ये चीज़ें होने वाली है और आप दोनों के बीच में एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होगी और वो एक न्यू स्टार्टिंग होगी। पिछला कुछ भी उसमें ऐसा नहीं होगा इंक्लूड। और ये मान लीजिए, ये जो एक ऐसी टाइमिंग आने वाली है जहाँ पे सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है, पता नहीं क्यों। अब ये मान लीजिए कि आपके रिश्ते को एक तरीके से टेस्ट किया जा रहा था और टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो ज़रूर से आप दोनों का मिलन होना तय है। ये आपके पास खुद आएंगे अपना दिल लेके, प्रपोजल लेके। आपको बहुत सारे लोगों को शिकायत होगी कि मुझे एक कॉल नहीं करते, मुझे एक मैसेज नहीं करते, इतना बोलने के बावजूद। देखिए, कभी कभी ना आप कहते रह जाते हैं, लेकिन जब वो टाइम आता है ना, जब दिमाग की घंटी बज जाती है, जब जो डर सताता है, खोने का डर होता है, जो इतना ज़्यादा भारी हो जाता है कि बस जान निकलने लग जाती है, लगता है कि कोई तीसरा ना आ जाए ना जाने क्यों। तो फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, एक तरीके से देख लीजिए कि आपके जो पर्सन है ना कहीं सोच रहे हैं कुछ ऐसा करने की जिसके बारे में आपने शायद कल्पना नहीं की थी। वो जानते हैं, आप जानते हैं, आप दोनों के बीच में प्यार तो ख़त्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, आप भी हैं, वो भी हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले दो चार मेजर कार्ड्स लेंगे, उसके बाद उनकी तरफ से लव मैसेजेस को देखेंगे। बाउंड्रीज मुझे ऐसा लगता है कि आपका सेपरेशन होने के बाद आपने अपने लिए बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ बना ली है, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। इतने हार्श क्यों हो रहे हैं भाई, खुद के साथ इतना हार्श नहीं होना, द डिवाइन मैस्कुलिन। बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है दोनों के बीच में, आप अपने दिल को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को भी उनकी लाइफ में या फिर अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहते और अब आप खुद पर फोकस करना चाहते हैं। लाइफ का पर्पस, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने करियर पे और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने लगे हैं।
हर चीज़ के लिए आपने खुद को जो है डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है। कुछ भी करते हैं आप ये सोचते हैं कि डिवाइन जो है मेरे लिए जो भी कर रही है वो मेरे लिए सही है। तो द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, मुझे ऐसा लगता है इस रिश्ते ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। जब रिश्ता ख़त्म हुआ है एक तरीके से आपने खुद को खो दिया, अपनी आइडेंटिटी को खो दिया। आपके आसपास बहुत सारा दुख आ गया था, आपको बहुत तकलीफ़ हुई, आपको बहुत कुछ सहना पड़ा और ये सारा कुछ आपने खुद ही फेस किया है। आप किसी को बता नहीं सकते थे, बिल्कुल बता नहीं सकते थे। तो हुआ ये कि आपने खुद ही खुद डील किया, अपने आंसू को खुद छुपाया, खुद ही पोछा और कहीं ना कहीं दूसरों की नज़र से बचते हुए बिल्कुल स्ट्रांग होकर दुनिया के सामने सिर उठा के चलते रहे। यही रीज़न है आपने अपने हार्ट को ऐसे गार्ड कर रखा है, ऐसे बचा के रखा हुआ है कि अब चाहकर भी यहाँ पे किसी को भी इजाज़त नहीं मिलेगी कि आपका दिल आकर चुरा के ले, और चुराए तो चुराए और दिल आपका तोड़ दे। आपकी दिल की चाबी मुझे लग रहा है सिर्फ़ और सिर्फ आप ही अपने पास रख रहे हैं। अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी देते हुए सेल्फ लव देने की कोशिश कर रहे हैं। जो लव आप दुनिया से उम्मीद करते हैं वो खुद को एक बार देके देखिए। मुझे लगता है कि खुद की ग्रूमिंग में, खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, खुद को बहुत ज़्यादा ब्रशअप करने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा फोकस होके आप जो है अर्न कर रहे हैं या फिर अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं और दिन कब जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। यहाँ पे आया है डिवाइन मैस्कुलिन। जिस तरीके से आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं ना, आपके पार्टनर को ना जाने क्यों आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसको पाना है, किसी भी हालत में पाना है। ये जो फीलिंग है ना आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा, ये अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो उनके अंदर जो तलब है ना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है आपको पाने की, क्योंकि डर है एक तरीके से खो देने का डर, ना जाने क्यों किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते आपको। ओके, कार्ड आ गया है न्यू लव। न्यू पर्सन हैज स्टार्टेड योर रोमांटिक फीलिंग्स। देख लीजिए न्यू लव का मतलब आप समझ रहे हैं, एक न्यू लव है जो मैं आपका देख रही हूँ खुद के साथ, जो सेल्फ लव है। एक न्यू रोमांटिक साइकिल है जो आपकी दोनों के रिश्ते में शुरू होने वाली है बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से। कार्ड्स गिर गए, मैंने उठा लिया। ट्रस्ट द सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू, हैव फेथ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई नहीं बना है और आपका हर कोई दिल टूट के जाएगा, नो 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 डार्लिंग, वो जस्ट टाइमिंग की बात थी। अब आप देखते जाइएगा जैसे ही आपने अपनी फोकस को, अप्रोच को बदला है, किस तरीके से मैजिक होगा आपकी लाइफ में। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। अगर आपके पर्सन आते हैं ना आपके पास, देख लीजिएगा ऐसे बदलाव आपको उनमें दिखेंगे कि आप ना चाहते हुए भी उनको चांस देंगे और आपको चांस देना ही पड़ेगा, क्योंकि देख लीजिएगा ये पार्टनरशिप जो है आपकी लाइफ टाइम की है। सेपरेशन द टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। आप दोनों के बीच में सेपरेशन है जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खाता है, सताता है, बॉदर करता है। आपको लगता है कि क्या उनको मेरी याद नहीं आती है, बट सिर्फ वो ही जानते हैं, उनका मन जानता है वो आपको कितना मिस करते हैं। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाई एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। देख लीजिए किस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक अट्रैक्शन हो रही है, या फिर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रख रहे हैं इस मोमेंट में, प्रेजेंट में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि लोग आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवली देखते हैं, रोमांटिकली अट्रैक्टिव। डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी की बात हो रही है। अगर आपके पर्सन को भड़का रहे हैं ना, वो मास्क अब ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, वो मास्क अब बहुत जल्दी उतरने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मुझे डोमिनेंट फीलिंग जो दिख रही है वो प्यार की दिख रही है और पॉजिटिविटी की दिख रही है। तो जो डिवाइन टाइमिंग है वो आपको इतना ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है इन्फ्लुएंस करेगी ना दोनों को, कि जो बीच की पार्टियाँ हैं या जो बीच के बिचौले हैं ना, वो अपने आप हटते चले जाएंगे, सच्चाई सामने आ जाएगी। क्योंकि जो उन्होंने मुखौटा पहना है वो हटने में और बहुत ज़्यादा देर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस हैं, उसको ले लेते हैं। ओके ओके ओके, गिर गया, इसको उठा लेते हैं। थैंक यू। वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। इनका मकसद ही यही है आपके साथ फ्यूचर स्पेंड करना। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिजलिंग रोमांस की बात हुई है। मतलब ये है कि आपके साथ ये इंटीमेट मोमेंट्स भी स्पेंड करना चाहते हैं। अगर आपने किए हैं पहले भी स्पेंड, तो उस चीज़ को भी वो याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं और अपनी जहन से निकालना मुश्किल हो जा रहा है थोड़ा। वी कैन चैट फॉर एवर, हमेशा बात करते रह सकते हैं एक दूसरे के साथ, कभी भी बोर नहीं होंगे। ऐसे नहीं लगेगा कि चलो यार अब मन गया, भर गया, अब नहीं बात करें, नहीं। अब जब बात नहीं हो रही है तो बहुत ज़्यादा उसकी क्रेविंग कर रहे हैं।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग आ गई है, जल्दी से जाके देख लीजिएगा, कोई भी मिस मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग जो है नहीं देखते हैं, बट मैं बता रही हूँ अगर आप मिस कर रहे हैं ना तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आई फील कम्फर्टेबल इन योर आर्म्स, तुम्हारी बाहों में राहत है, तुम्हारे जुल्फों में जन्नत है। एक तरीके से आपके पर्सन आपसे प्यार ही चाहते हैं और कुछ भी इनका मोटिव मुझे नहीं दिख रहा है। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स, ठीक है, उनकी मन की बात सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं, आप ही उनको समझते हैं और आप ही उनको ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि लगता है कि वो अपने आप को इतना नहीं जानते जितना आप उनको जानते हैं, आप उनको अंदर से जानते हैं। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक दिया है, देख के ज़रूर जाइएगा। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। देखते हैं जो जो अपने पार्टनर से प्यार करते हैं वो मेरी वीडियो लाइक करके ज़रूर जाएंगे। दिखा दीजिए और जता दीजिए अपना प्यार। शुक्रिया आप सभी को, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।